स्क्रीन ब्लर है। अभी हो जाएगी, लिखते लिखते हो जाएगी। मैथमेटिक्स, एक मिनट बाद बताइएगा। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद, जो किससे डील करती हो, दैट इज किसी भी चीज से, क्या है, स्टडी ऑफ डेटा। कलेक्शन करेंगे पहले, कलेक्शन स्टडी। गुड इवनिंग बेटा। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद स्टडी कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इज स्टेटिस्टिक्स। तो ये रिप्रेजेंट करती है डेटा को, एंड इट रीचेस अस सो ए कंक्लूजन। तो ये हमको किसी कंक्लूजन तक पहुंचाती भी है। नाउ अब देखिए कि प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो स्टेटिस्टिक्स में हमने उसमें ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, क्लासिफाइड डेटा, अनक्लासिफाइड डेटा, ऐसे हमने कई चीज़ें पढ़ रखी हैं। नाउ अब देखो कि नाउ डेटा आर ऑफ टू टाइप्स। सो डेटा अगर है तो डेटम से डेटा बना है। अगर कोई एक सिंगल डेटा है कि आपका वेट इतना है तो उसे डेटम कहेंगे, और अगर पूरे क्लास का वेट है तो डेटा ऑफ वेट ऑफ क्लास होगा। तो अगर एक का डेटा डेटम है और जब ज़्यादा हो जाएंगे तो डेटा हो जाएगा। तो डेटम इज सिंगुलर, एक के लिए हो, एंड डेटा इज प्लूरल, तो डेटा प्लूरल में हो जाएगा। अब जरा देखिए, डेटा दो तरीके से होता है। डेटा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। सो इफ अ पर्सन, ठीक है, हु इज यूजिंग द डेटा इज इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ डेटा, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो अगर मान लीजिए आपको टीचर को चाहिए बच्चों का वेट, तो बच्चों से वो क्या कराएं, सबका वेट लिखवाएं, तो वो कलेक्ट कर रही हैं डेटा सबसे, तो वो खुद कलेक्ट कर रही हैं सबका वेट, क्योंकि उसका उन्हें एवरेज निकालना है कि उनके बच्चे माल न्यूट्रीटेड तो नहीं है। सो इफ यूजर ऑफ डेटा कलेक्ट्स डेटा, ठीक है, देन इट सेल्फ, खुद ही वो करे, इट इज प्राइमरी डेटा। इफ यूजर पिक्स अप डेटा फ्रॉम सम अदर एजेंसी, एजेंसी हु हैज कलेक्टेड डेटा फॉर एनी अदर पर्पस, हु हैज कलेक्टेड या विच हैज कलेक्टेड, किसी एजेंसी ने, मैगजीन ने या न्यूज़पेपर ने या इंटरनेट ने उसको किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया हो। सो विच हैज कलेक्टेड डेटा फॉर सम अदर पर्पस, सम अदर पर्पस, तो ऐसी स्थिति में वो डेटा क्या कहलाएगा,
is called secondary data. अभी देखो, मान लीजिए if teacher picks up the literacy rate of UP and utilizes it, या कोई DM है तो वो literacy rate को उठा ले अपने ज़िले का कहीं magazine से और उसको use करे for welfare scheme, अब वो सबका literacy rate ही पूछता रहे तो उसी में उसके करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे. So if district magistrate of a city, ठीक है, refers literacy rate of his city from किसी भी तरीके से वेबसाइट से ले ले, मैगजीन से ले ले, वेबसाइट मैगजीन से ले ले, और गवर्नमेंट एजेंसी भी निकालती रहती इस तरीके के, एंड यूजर यूटिलाइजेज इट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सम बेनिफिट्स, कुछ हो वेलफेयर स्कीम के लिए यूज करें, एंड यूटिलाइजेज इट फॉर वेलफेयर ऑफ, सो इट यूटिलाइजेज इट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ सिटी, पीपल ऑफ सिटी, तो ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. क्या स्क्रीन ब्लर है, कुछ दिख नहीं रहा? प्राइमरी सेकेंडरी में प्राइमरी डेटा क्या है? इफ टीचर कलेक्ट्स द वेट ऑफ स्टूडेंट्स, सबकी वेट को करें, एंड फाइंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास, तो ऑफ वन स्टूडेंट ऑफ क्लास, तो वो खुद ही कलेक्ट कर रहा है कि सबको पेपर दिया, अपना अपना वेट लिखो, तो वो खुद कलेक्ट कर रहा है और उसको यूटिलाइज़ कर रहा है. अगर वो जा रहा है प्रिंसिपल के रूम में कि क्या पहले से आपके पास कलेक्टेड हैं और मुझे दे दो वो पेपर, तो वो पेपर ले ले और फिर उसी से वो एवरेज वेट निकाल ले, तो उसको कहेंगे कि ये उसने, ये सेकेंडरी डेटा है. अगर जो यूज़र है वो खुद कलेक्ट करे, घर घर जाके या कैसे कैसे जाके कलेक्ट करे, तो उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा. हमें चाहिए, ज़रूरत है तो मैं घर घर जाऊँ और पूछूँ कि तुम्हें कितने ग्राम का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, कंपनी जा के तो बोले कोई 50 ग्राम, 200 ग्राम, तो वो सब की रिपोर्ट कंपनी को दे, तो कंपनी कहेगी कि 150 ग्राम का टूथपेस्ट ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अब 150 ग्राम का ही हम बनाएंगे, इससे हमारी बिक्री बढ़ेगी. तो इस तरीके से अगर कंपनी कभी कभी खुद सर्वे करती है, तो अगर कंपनी खुद सर्वे कर रही है उसमें उसका बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और लेकिन ये उसका डेटा प्राइमरी डेटा होगा, ये ज़्यादा रिलायबल होगा. दो इट हैज़ रिलायबिलिटी, क्योंकि वो उसमें अपने डिज़ायर्ड सर्वे में पॉइंट्स रख सकती है. However, at certain times, the company relies on the data of found in या available in magazine, या कहीं ना कहीं ऐसे newspaper से data ले लेगी, या Google में available है, world ये जो है websites में available है, वहीं से उठा लेगी और उसी से वो देख लेगी कि ज़्यादातर लोग कितने ग्राम का toothpaste इस्तेमाल करते हैं, और उसका survey का पैसा बच जाएगा. तो इस तरीके से अगर वो करती है कंपनी, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी डेटा, क्योंकि कंपनी यूज़र है, उसे डेटा चाहिए, या तो वो खुद जाके कलेक्ट करे या कहीं और से ले ले. खुद जाके कलेक्ट करेगी तो प्राइमरी डेटा है, और अगर वो कहीं और से ले लेती है, किसी बुक से, मैगजीन से, वेबसाइट से, न्यूज़पेपर से, या टीवी से, न्यूज़ से ले ले, तो उसे सेकेंडरी डेटा कहेंगे. बोलो, बात समझ में आई? बताइए. तो ये चीज़ हो गई, यूज़र कलेक्ट्स डेटा इटसेल्फ, तो उसे कहेंगे प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. नाउ अब ज़रा देखिए कि डेटा इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, तो जो हमने फ्लो चार्ट बनाया ऑन बेसिस ऑफ ये कलेक्शन, कि वो कहाँ से कलेक्ट किया गया है. अब इसके अलावा डेटा अलग अलग तरीके का भी हो सकता है. डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एक हो सकता है डिस्क्रीट डेटा, या एक हो सकता है अन ग्रुप्ड डेटा,
और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। अब जो ग्रुप्ड डेटा है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो नॉन कंटिन्यूअस डेटा, और दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा दो तरीके का हो सकता है, दैट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्लास साइज, और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्लास साइज। इस चीज को समझें एक एक करके। पहले हम बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा की। तो देखो ये चीज तो हमारा फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट तो दिख गया ना आपको पूरा। डेटा अनग्रुप्ड भी हो सकता है, ग्रुप्ड भी हो सकता है, ग्रुप्ड में नॉन कंटिन्यूअस, एक एक करके देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा देखें। तो अनग्रुप्ड डेटा बोलो, अभी कंटिन्यूअस डेटा अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम एक एक करके उठाते जा रहे हैं, एक एक करके समझाते जा रहे हैं, तब फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं किसको उठाऊं, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या है कि 20 स्टूडेंट्स इन ए मैथ्स टेस्ट हैव गॉट द फॉलोइंग मार्क्स। जैसे मान लो 20 ना ले लो, तो 10 स्टूडेंट्स इन मैथ्स टेस्ट हैव गॉट फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100। तो वो मार्क्स हैं, जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, किसी के 60 आ गए, 72 आ गया, 35 आ गया, 10 आ गया, 80 आ गए, 95 आ गए, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरीके से 70 आ गए, 61 आ गए, और बाकी 63 आ गए और 73 आ गए। तो ये जो डेटा है इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं है, यानी ऐसे ही बस लिख दिया गया, रैंडमली लिख दिया गया है। तो अगर ऐसे डेटा आप प्रिंसिपल के पास कोई टीचर ले जाए कि हमारे यहाँ के बच्चों के इतने नंबर हैं, तो उसके पास तो टाइम 1 मिनट का तुम्हारे टाइम है, और तुमने ना रिप्रेजेंट किया ना कुछ किया, ऐसे ले जा के कर दिया, तो वो भगा देगा आपको, कहेगा ये क्या लेके आए हो, उसको ये कुछ समझ भी आ रहा है ना, तो उसने रिप्रेजेंट किया ना, इसको उसने किसी ऑर्डर में लगाया कम से ज़्यादा के, और फिर इसकी ग्रुपिंग भी नहीं की। तो इसलिए ये अनग्रुप्ड डाटा है, इसको कहते हैं रॉ डेटा, जैसे कलेक्ट किया वैसे ही लिख दिया। तो अनग्रुप्ड डेटा का दूसरा नाम क्या होता है बताओ, रॉ डेटा। उसको कुछ रिप्रेजेंट किया क्या, नहीं। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा में जरा देखें कि किस तरीके से हो सकता है। तो ग्रुप्ड डेटा यानी अगर क्लास में जो टीचर है वो क्या करे, इफ जो टीचर है, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ और कुछ भी हो सकता है, मेक्स क्लास साइज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेंड, कुछ नहीं, बस वो सब नंबर लिख दिए कितने कितने। अब जैसे ये है कि मान लीजिए 100 स्कूलों में 100 प्लांट लगाए गए, अब बस वो ऐसे लिख दिया कि बस ये हैं वो 100 स्कूल हैं, उनके प्लांट है। तो ये क्या, ये कोई डेटा माना जाएगा क्या, इससे कुछ समझ में आ भी रहा है? तो जब तक आप एक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे तब तक स्टेटिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं। आपने कलेक्ट करके बस सिंपली लिख दिया है, हर एक स्कूल में गया और लिखते चले गए एक कागज में, तो ये रॉ डेटा नहीं हुआ क्या? इसमें आपने कोई काम किया, पहले स्कूल में गए उसके पेड़ लिख लिए, दूसरे स्कूल में गए उसके पेड़ लिख लिए, तो इस तरीके के डेटा को क्या कहेंगे? ठीक है, या ये देख लो कि बच्चों ने कितने कितने नंबर पाए, तो 10 नंबर एक बच्चे ने पाया, 20 नंबर दो बच्चे ने पाया, इसने इतने, तो क्या ये अनग्रुप्ड नहीं है? भले ही ऐसा भी हुआ हो कि कुछ बच्चों ने जैसे 60 मार्क्स 4 बच्चों ने पाए, तो फिर भी फ्रीक्वेंसी हमने लिखी है कि, लेकिन फिर भी अनग्रुप्ड है,
हमने इस पे कुछ किया ही नहीं है। कुछ किया क्या? सीक्वेंस में होने पर भी ये ग्रुपिंग नहीं की गई है। आप ग्रुपिंग ग्रुप डेटा देखोगे तब पता चलेगा। सो क्लास साइज, जरा देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुछ स्टूडेंट्स हैं 45 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो अगर मान लीजिए वो ये कह रहा है कि उसका जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल भी लिख सकता है या वो ये लिख सकता है टीचर मार्क्स ऑब्टेन्ड, और दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने बच्चों ने नंबर पाए। तो पहले वो कहेगा कि 0 से 10 नंबर, 10 से 20 नंबर, 20 से 30 नंबर, 30 से 40 नंबर, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, ऐसे उसने ग्रुपिंग कर ली। और ग्रुपिंग करने के बाद 70 टू 80, 80 टू 90 और 90 टू 100, ऐसे बना लिया। उसने ग्रुपिंग कर ली मार्क्स की। अब ये डेटा स्कैटर नहीं रह गया। तो ऐसा एक स्टूडेंट मिला जिसके ये नंबर थे, तीन स्टूडेंट ऐसे मिले, फिर एक ऐसा मिल गया, फिर हमारे टोटल हैं 45 स्टूडेंट। तो पांच तो यही हो गए, ठीक है, मान लो पांच बच्चे ही हो गए, 10 हो गए, फिर इसके बीच में 10 बच्चे आ गए, 20 हो गए, ठीक है। और अब ये देख लीजिए, इसमें 12 हैं, इसमें 8 हो गए, तो 20 20 40 हो जाएंगे, ये ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो हम इसमें 8 ना रख कर के 4 कर लें, और 1 2 1 1, अब ये पूरे हो गए। तो ये तो 8 हो गए, ठीक है, 8। अब ये देख लो, ये 15 हो गए, तो 15 5 20, और ये भी 20, तो पूरे हो गए कि नहीं हुए? अभी कुछ ज़्यादा कम करना पड़ेगा, 40 ही हुए, 15 कर दो, अब ये 20 हो जाएंगे। नाउ अब ये जो डेटा है, ये कैसा डेटा है बताइए, टोटल कितने हो गए? तो यहाँ पर देखने पे टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं कि नहीं? 45 स्टूडेंट्स, तो टोटल 45 स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स पता किए लाए हैं वो उसने दिखाया। वो प्रिंसिपल के केबिन में गया, तो देख लो, 5 5 और 20 25 25, और प्लस ये 20, क्योंकि 12 प्लस 8 20, तो 25 प्लस 20 हो गए 40 45। समझ में आई बात? बताइए, ठीक है ना? अच्छा, तो टीचर प्रिंसिपल के केबिन में गया, उसने दिखाया कि हमारे यहाँ मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, तो प्रिंसिपल ने उसको डांट के भगा दिया। क्यों डांट के भगा दिया? उसने ऐसी क्या गलती की थी? उसने ये गलती की थी कि जो कॉलम स्वयं वो 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि तुम कॉलम ही कॉलम बनाते रह जाओ। तो ये ग्रुप्ड डेटा है, लेकिन किसी भी स्टैटिक्स के रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा कॉलम होंगे तो किसी के पास समय नहीं है पढ़ने का। अगर उसने क्लास इंटरवल 0 से 20 का बनाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उसे क्या करना चाहिए था बताओ, क्लास इंटरवल कैसा बनाना चाहिए था? ज़्यादा लंबी टेबल नहीं चाहिए, 0 से 20 बनाता, 20 से 40, 40 से 60, और 60 से 80, और फिर उसके बाद 80 से 100 बना लेता। तो टीचर उसका वेलकम होता कि यस, दैट टीचर इज क्विक विटेड, वो तीक्ष्ण बुद्धि का है। सो अब उसमें फ्रीक्वेंसी बताओ 0 से 20 की कितनी है, यहाँ जोड़ के बताओ, 0 से 20 कितने बच्चे हैं?
फोर हो गया तो फोर लिख देता। अच्छा, जो अपर लिमिट है वो नॉट इंक्लूडेड है। खैर यहाँ पर ऐसा बताया नहीं गई है, तो किसी में भी नहीं इंक्लूडेड है, वहाँ भी नहीं इंक्लूडेड है। अच्छा, इसी तरह से 20 से 40 के कितने हैं? सिक्स, सिक्स हो गए। देख लो 20 से 40 यही दोनों तो जोड़ोगे, 20 से 40। अब 40 से 60 बोलो, 27 नहीं है? 40 से 60 तो 27 हो गए। और 60 to 80 कितने हैं? हाँ, तो 6 लिख ले और बाकी बच गए 2, और फिर यहाँ टोटल कर ले। तो टोटल है दैट इज़ 45, तो ये 45 हो गया। अगर इस तरीके से वो ले जाएगा देन इट इज़, ये ग्रुप्ड, ये कंटिन्यूअस डेटा है। एक तो ये ग्रुप्ड है, ग्रुपिंग की है कि नहीं उसने मार्क्स की? उसने कहा वो सारे बच्चे खड़े हो जाओ एक साथ ग्रुप में जो 0 से 20 नंबर लाए हैं, और वो देख ले 4 बच्चे हैं, फिर 20 से 40 नंबर लाए वो हाथ खड़े करो, फिर 40 से 60। तो बोलो उसने ग्रुपिंग कर ली कि नहीं, कि सब बच्चे का एक एक का नंबर लिखा है? बोलो एक मिनट। सो इन ग्रुप्ड डेटा, ये हमारा ग्रुप्ड डेटा है, क्लास इंटरवल इसमें क्लास इंटरवल बनाया जाता है। एंड तो इन ग्रुप्ड, हाँ क्लास, पहले क्लास इंटरवल बनाया जाएगा, इज मेड। क्लास इंटरवल हमने बना लिया, जैसे एग्जाम्पल क्या है, 0 से 20, 20 से 40। बोलो ब्लड है? ओके ओके। नाउ अब देखिए, सो इन दिस क्लास इंटरवल इज मेड। और अगर मान लीजिए कि अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज सेम एज लोअर लिमिट ऑफ द फॉलोइंग क्लास, ये लोअर लिमिट है और ये प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट है, देन सच डेटा इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डेटा। जैसे ये देखो 20 यहाँ अपर लिमिट है और 20 यहाँ की लोअर लिमिट भी है, तो कोई नंबर छूटा नहीं है। तो इस तरीके से क्या कहेंगे बताइए? इट इज़ कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट इज़ ए ग्रुप्ड डेटा फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये कैसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सो ये दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर,
कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। तो कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा का क्या मतलब होगा कि इफ अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हाँ अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है और अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास। इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं है, अपर नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास। हाँ लास्ट में होगी और इस तरीके से लास्ट वाले में 100 होगी और किसी में नहीं होगी, ये अंडरस्टूड है। तो इन ग्रुप्ड डेटा द क्लास इंटरवल इज मेड, क्लास इंटरवल बना लिया एंड अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज सेम एज लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, क्लास। अब जरा देखो नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एनी डेटा अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स एनी डेटा अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, और क्लास है तो क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है इस कॉल्ड डेटा की। हाँ ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, दिस इज कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स एनी डेटा इज अकर्ड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। हाउ एवर इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इट इज कॉल्ड द क्लास फ्रीक्वेंसी। जो क्लास साइज है तो उसकी क्या होगी? क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी कि सारे डाटा उसमें इंक्लूड है, ठीक है कि नहीं। और मान लीजिए आपके डिस्क्रीट डेटा है, तो जैसे हमने अनग्रुप्ड डेटा बताया था पीछे, तो अनग्रुप्ड डेटा का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? क्या डिस्क्रीट डेटा? डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? क्या बिखरा हुआ डेटा? अलग अलग, तो डिस्क्रीट डेटा। कभी अनग्रुप्ड डेटा भी पूछा जाता है या कहा जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ऐसा भी कई बार लिखा जाएगा। तो अभी हम किस पर हैं? हाँ रॉ डेटा तो है ही है, इसमें हमने कुछ रॉ डेटा तो है ही है, रॉ हमने कुछ किया ही नहीं तो रॉ डेटा हो गया। अब चूंकि इसे डिस्क्रीट डेटा अलग अलग है तो डिस्क्रीट डेटा, अनग्रुप्ड डेटा ग्रुपिंग नहीं की गई। और यहाँ पे क्या कर लिया गया? क्या ग्रुपिंग कर ली गई है? ये तो हमारी रोज की बोलचाल की भाषा है ना, तुम ग्रुप कर लो तो ग्रुप्ड डेटा हो गई कि भाई 40 से 45 साल के लड़के एक साथ खड़े हो जाएं किलो के, और 45 से 50 एक साथ खड़े हो जाएं, तो ग्रुपिंग कर ली ना जब आपने क्लास इंटरवल बना लिया। अब क्लास साइज क्या होता है बताइए? व्हाट इज क्लास साइज? सो क्लास साइज इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास। इफ क्लास साइज इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। इफ क्लास साइज मान लो 10-10 का अंतर है या 20-20 का, यहाँ पे कितने कितने का अंतर पा रहे हो बताओ? 20-20 का है कि नहीं है? ये सब कितने कितने का डिफरेंस है? 20-20। तो इट इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ क्लास साइज इज यूनिफॉर्म देन इट इज़
यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अदरवाइज इट इज नॉन यूनिफॉर्म। अब जरा देखो, हम ऐसा ग्रुप्ड डेटा देख रहे हैं जो नॉन कंटिन्यूअस भी हो, ऐसा भी देख सकते हैं। कि नॉन कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि टीचर ने सोचा कि हम तो भाई ज़्यादा क्लियर हैं, हम जीरो से ये देखेंगे। मान लो लीफ का साइज है तो ज़ीरो से 5 mm तक की पत्तियाँ एक साथ रखी गई, दैट इज़ लेंथ ऑफ लीफ, लेंथ ऑफ लीफ। तो उसने सोचा कि हम एक अपना बनाएंगे mm में, और फिर 6 से किया तो 0 से 5 ले लिया, कितना ले लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो ऐसा कर लिया। तो आप ऐसा कर लें, 0, 0 होगी, ठीक है 0 ले लें, 0 तो नहीं होगी, 0.5 होगी, जैसा भी उसने लिया, ठीक है। तो आप लिख लें 1 ले लें, 0 तो किसी के नहीं, हाँ तो 1 से 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8, 9, 10, तो 6 से 10 दोनों इंक्लूड हैं, लोअर एंड अपर लिमिट दोनों इंक्लूड हैं। फिर 11 से 15 और फिर 16 से 20 और 21 से 25। मान लीजिए ऐसा उसने देखा, और ऑब्जर्वेशन में उसने फ्रीक्वेंसी क्या पाई, उसने 5, 10, 12, 8, 10 तो 10, 20, 30, 40, 45 तो टोटल 45 हो गई, टोटल 45। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इन दिस केस इफ अपर एंड लोअर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड इन एनी क्लास, इफ अपर एंड लोअर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड इन एनी क्लास इंटरवल, या क्लास भी लिख सकते हो, देन इट इज कॉल्ड नॉन कंटिन्यूअस। ग्रुप्ड तो है ही है, नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले वाली कंटिन्यूअस थी क्योंकि उसमें क्या था कि कोई चीज़ छूट नहीं रही थी, 1 से 20, 0 से 20 फिर 20 से 40, लेकिन यह छूट रही है ना 5 और 6 के बीच में। मान लो किसी लीफ का साइज 5.5 आ जाए तो क्या करे, उसे इसमें रखोगे कि इसमें रखोगे, आप तो फिक्स में आ गए, अब 5.5 mm साइज है, अब रख ही नहीं पा रहे हो। तो इट इज़ नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिफोर फाइंडिंग इट्स मीन, अगर हमें इसका मीन पता करना है, देन इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिफोर फाइंडिंग इट्स सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय माप किसे कहते हैं, मीन मीडियन मोड को। सो इट इज टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बिफोर फाइंडिंग इट्स सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि एवरेज मार्क्स या एवरेज साइज ऑफ लीफ, इसको कहते हैं केंद्रीय माप, जहाँ से सारे डेटा क्लोज हों। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है मीन मीडियन मोड। तो आप कुछ भी निकालना चाहते हो तो आपको इस केस में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस केस में सबसे पहले हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। अब जरा देखो कि 1 है,
और ये फाइव है, तो वन से फाइव एक डेटा हो गया। अब मान लीजिए ये सिक्स है और सिक्स से टेन हो गया। अब 5.5 की अगर लीफ आ गई तो उसे कहाँ रखोगे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे कहो कि थोड़ा तुम आगे बढ़ जाओ, ये थोड़ा पीछे चला जाए। अपर लिमिट में कुछ जोड़ दो, जो गैप है उसका आधा अपर लिमिट में जोड़ो। गैप कितने का है, तो गैप कितने का होगा, दैट इज अपर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, एनी क्लास, नेक्स्ट क्यों लिखोगे, एनी क्लास, लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास और माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, तो गैप कितने का हो गया बताइए यहाँ पर। नाउ तो गैप हो गया क्या, सिक्स माइनस फाइव का, वन का गैप हो गया, ठीक है कि नहीं। अब अपॉन टू हम कर देंगे, तो गैप कितने का हुआ, गैप हुआ वन का हुआ। सो अब हम जब इसको कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर कन्वर्टिंग नॉन कंटिन्यूअस डेटा इनटू दिस, तो क्या करना पड़ेगा कि फॉर, अभी पता चल जाएगा, फॉर कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस डेटा इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो कभी भी इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो लोअर लिमिट है, मान लीजिए ये हमारा है, तो ये वन से फाइव है और अगला वाला कितना है, सिक्स से टेन है, और फिर अगला वाला कितना है, इलेवन से फिफ्टीन है। तो इससे ये कह दे कि तुम थोड़ा आगे बढ़ जाओ, तो अब नई इनकी लिमिट कितनी बन जाएगी, ये वन पे ना रह जाए, इसके पीछे भी कुछ है नहीं, लेकिन इसको थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए और इसको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, ये नया हो जाए और ये थोड़ा पीछे हट जाए, यानी इसे चाहिए कि ये 5.5 पहुंच जाए, गैप का आधा ले ले कि नहीं, और इसे क्या चाहिए, सिक्स को, कि इसे यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए। तो अगला वाला हमारा क्लास साइज कितना हो जाएगा बताइए, ये 10.5 तक चलेगा, और फिर अगला वाला 10.5 से कहाँ तक चलेगा, 15.5। मेरा कहने का मतलब है कि जो क्लास इंटरवल होगा उसमें लोअर लिमिट में क्या करना है, लोअर लिमिट जी वन था, तो वन में से हाफ ऑफ द गैप माइनस कर दो, और जो अपर लिमिट फाइव थी तो वो अपर लिमिट फाइव में क्या ऐड कर दो, हाफ ऑफ द गैप। हाफ ऑफ द गैप कितना होता है बताओ, तो वन में से कितना माइनस कर दो, क्या 0.5, और फाइव में कितना ऐड कर दो, 0.5, तो क्या बन जाएगा, क्या वन में से 0.5 माइनस किया तो कितना बना बताओ, 0.5 से 5.5, ये नया इसका वो हो गया। अब सभी में ऐसा करो, हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, वन था तो वन को किस में कन्वर्ट कर दो बताओ, माइनस करते जाओ 0.5 सब में, इसको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, देखो पीछे हटा कि नहीं, सिक्स यहाँ पीछे हटा कि नहीं, ये इससे बोलेगा तुम थोड़ा पीछे आ जाओ हम थोड़ा आगे चले जाएं, तो सिक्स पीछे नहीं हट गया यहाँ तक बोलो, और जो अपर लिमिट है उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, लोअर लिमिट को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, इलेवन को थोड़ा पीछे नहीं हटना पड़ेगा, कहाँ तक आना पड़ेगा बताओ, 10.5, 16 को थोड़ा पीछे नहीं हटना पड़ेगा बताइए, कहाँ तक आना पड़ेगा, 15.5 पीछे हटना पड़ेगा, तो ये पीछे हट गया, सब में से 0.5 माइनस करो, गैप का आधा, गैप वन का है, इसको किस में बदल दो, 0.5 माइनस करो तो किस में बदल दो, 5.5, इसको भी बदलो 10.5, इसको भी बदलो 15.5,
और इसको भी बदल दीजिए, दैट इज़ 20.5, और इसको आगे बढ़ाते चले जाओ, इसमें ऐड करो, क्योंकि अपर लिमिट को ऐड करो और लोअर लिमिट में गैप का आधा सब्ट्रैक्ट करो। अब ज़रा देखिए, 10.5, 15.5, 20.5 और इस तरीके से 25.5, ये चीज़ होती है। तो अब हमारा नया लिमिट क्या बन गया, जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल 0.5 से 5.5 लेंथ का, और 5.5 से अगली कितनी बन गई, यहाँ देखो अगली अगली कहाँ तक बनी, 5.5 से 10.5, और फिर 10.5 से कितनी बन गई, 15.5, और जो 16 से 20 हुआ करता था वो उसे कितना बन जाना होगा, 15.5 से 20.5, और 20.5 के बाद तो 21 था ना, और 21 से 25 तो अगले को कितना बन जाना होगा, 20.5 से 25.5, बोलो कंटिन्यूअस हो गया। अब जो अपर लिमिट है वही क्या अगली क्लास की लोअर लिमिट है, बताइए। क्लास साइज बढ़ जाता है। अभी जैसे यहाँ से आप देखो तो इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करो, इसमें दोनों लिमिट इंक्लूडेड है, हैं, 1 बढ़ गया, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसमें बढ़ने के लिए तो 1 और 5 सब इंक्लूडेड था, 1 से 5 तक ही था, तो 1 बढ़ जाता है, 0.5 इधर और 0.5 उधर, तो इस तरीके से 1 बढ़ जाता है। ओके नाउ, तो हमने क्या किया बताइए, क्लास में जो गैप था उसे फिल कर दिया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के, गैप कितने का था बताइए, 1 का गैप था, तो इससे कह दिया 0.5 तुम आगे बढ़ जाओ अपर लिमिट से, और जो लोअर लिमिट से क्या किया, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या दोनों यहाँ मिल गए, अगर मिलाओगे नहीं तो कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, बोलो। तो इसे आगे बढ़ा दो, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो, तो क्या मैंने जोड़ा सारी अपर लिमिट में, बताओ, उसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ ना, ये यही तो है तुम्हारी क्लास, तो क्या मैंने अपर लिमिट पे थोड़ा आगे आगे जोड़ दिया क्या, 20 में 20.5, और जो लोअर लिमिट थी उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या, 16 में से 0.5 पीछे हटा दिया, बोलो। अगर एक का गैप होता है जनरली जो भी इस तरीके की होती है नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, तो एक का गैप होगा तो उसके लिए हमें उसे कंटिन्यूअस में बदलना पड़ेगा, वो मैं आपकी बुक में दिखा देता हूँ, तो उसके लिए यही काम करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने इसको किससे बदल दिया, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इंटू ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे ये देखिए कि ऐसा आएगा तो हम आपको बता देंगे कि बदलना पड़ेगा। नाउ इतनी बात समझ में आ गई, नहीं भी समझ में आई है तो हम इसको पेंडिंग रखते हैं, अभी जब आएगा तो बताएंगे, ठीक है। ओके नाउ अब जरा देखिए, सबसे पहले हम मीन के बारे में बात करते हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी इज द डेटा विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी इज द डेटा विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए कि किसी ने बुल मैगपाई आउटर ऐसे करके उसको एक रेंज दी गई है, उस पर उसने गोलियां दागी हैं, तो उसने बहुत सारी ऐसे ऐसे बहुत सारी बुलेट मारी हैं,
तो कोई ऐसे एक डेटा होगा जिससे सारे डेटा पास होंगे, कोई ऐसी जगह होगी, तो वो जगह कहीं मान लो यहाँ है, यहाँ से सारे डेटा पास हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हीं में से सेंट्रल टेंडेंसी हो। आपके किसी सब्जेक्ट में 45 मार्क्स आए तो किसी में 47 आए, किसी में 50 भी आ गए, किसी में 30-80 आए। तो जब सबका एवरेज निकाला जाएगा तो 37 आया, या मान लीजिए 42 आया, तो क्या ये ज़रूरी है 42 किसी न किसी में मार्क्स आए ही हों? वो तो एवरेज है ना, एवरेज तो परसेंटेज होता है कि नहीं होता है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मार्क्स आए हों, लेकिन वो जो डेटा आया है 42, क्या वो बाकी सारे मार्क्स से क्लोजेस्ट है? सो सेंट्रल टेंडेंसी इज क्लोजेस्ट फ्रॉम एनी डेटा। समझ में आ गई बात कि नहीं? विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा एंड इट इज क्लोजेस्ट फ्रॉम एनी डेटा। इस चीज को और समझें। सो मीन मीडियन मोड आर सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियन मोड आर सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय माप टेंडेंसी। जैसे मीन है तो मीन में क्या किया जाता है, मीन हम लोग निकाला करते हैं। वॉट इज मीन? इट इज सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा। इट इज क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट होती है, ये सभी से पास होती है। यानी अगर मान लो क्लास में बच्चे हैं गोरे से काले, और अगर आप कह दें कि सभी बच्चे काले से गोरे के क्रम में खड़े हो जाओ, और बीच वाले बच्चे को पकड़ लो, कह दो ये हमारे बच्चे का जो है कलर है, तो ये जो है वो क्लोजेस्ट है, बाकी डेटा से वो क्लोजेस्ट माना जाएगा कि नहीं? तो इसी तरीके से क्लास में बहुत सारे बच्चों के किसी के 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, लेकिन 2 नंबर सबसे ज़्यादा लोगों के आए, तो आप कह सकते हो कि टू मोड है। मोड तो आप लोग जानते ही हो, तो जो भी सबसे ज़्यादा टाइम सफर करता है उसे मोड कहते हैं। तो वो भी कहा जा सकता है कि जो एनीथिंग, ये सेंट्रल टेंडेंसी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। मीन क्या होता है बताइए? तो मीन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स बार। तो एक्स बार क्या होता है? मीन का मतलब कि सम ऑफ ऑल डेटा, जैसे बहुत सारे डेटा हैं तो उनको मैंने सम कर दिया, और डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ डेटा, इसको कहते हैं सिग्मा एक्स आई, जहाँ आई कहाँ से कहाँ तक आया, 1 से n और अपॉन n। बोलो बात समझ में आ गई? एक्स बार सिग्मा का क्या मतलब होता है यहाँ पर? क्या सिग्मा का मतलब सम होता है, सबको जोड़ दिया? एक्स बार का मतलब है कि एवरेज ऑफ ऑल डेटा, तो उसे एवरेज कहेंगे। जैसे कि इफ अ स्टूडेंट गेट्स, मान लीजिए 45, 45 मार्क्स, इसी तरीके से 50, 47, 48 एंड 40 इन 5 सब्जेक्ट्स, सो फाइंड हिज एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स भी कह सकते हैं, और या ये कह सकते हैं कि मीन ऑफ मार्क्स। तो ये क्वेश्चन दिया गया, तो हम इसमें कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में एक्स बार क्या हो जाएगा कि सम ऑफ एनी डेटा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5 और अपॉन 5, तो क्या चीज़ हो जाएगी? 45 प्लस 50 प्लस 47 प्लस 48 और प्लस 40 और डिवाइडेड बाई 5, तो ये मीन हो जाएगा। ऐसे हम परसेंटेज भी निकालते हैं, तो जैसे 5 7 5 15 और 5 20, तो 2 कैरी हो गया, 4 4 8 4 12, 4 16 16 5 21 और 2 23, तो 2 30 बाई 5, तो उसके कितने मार्क्स आ गए? 46। तो उसका मीन कितना हो गया? 46।
46, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल में किसी बच्चे ने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं और उसमें ऐसा भी हुआ है कि उसने अलग अलग मार्क्स पाए हैं, जैसे कि कई बार उसने 46 मार्क्स चार बार पाए हैं, ये फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ टाइम्स उसने मार्क्स पाए हैं, ऐसे 49 मार्क्स एक बार पाया है और 50 मार्क्स थ्री टाइम्स पाए हैं, और इसी तरीके से 40 मार्क्स सिक्स टाइम्स पाया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इट्स मीन, फ्रीक्वेंसी को एफ आई कहते हैं और मार्क्स हैं जो डेटा है उसे एक्स आई कहते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखो, दो तरीके से मीन निकाला जा सकता है कि आप ये करो, मीन निकालने के लिए कि मीन हमें निकालना है ये है, तो देखो टोटल कितने मार्क्स हैं, 4, 5, 5, 3, 8, 8, 6, 14, तो टोटल 14 टेस्ट हुए होंगे और उसमें ऐसे ऐसे मार्क्स हैं, तो x बार के लिए क्या मैं 46 को चार बार लिखूं, बोलो, क्योंकि चार बार 46 पाए हैं, फिर 49 लिखूं, फिर 50 को कितनी बार लिखूं, तीन बार लिखूं, और फिर 40 को कितनी बार लिखूं, क्या सिक्स बार? क्या ये एक टीडियस जॉब नहीं है, बताइए? क्योंकि जितने नंबर पाए वो तो लिखने ही पड़ेंगे, तो इसका क्या तरीका है कि मैं कुछ और शॉर्टकट मेरे पास हो, तो मैं 40 को फोर टाइम्स अब नहीं लिखूंगा, मैं 46 को फोर टाइम्स ना लिख करके 46 में फोर का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं बताइए? 46 में देखो, 46 को चार बार जोड़ना या 46 में फोर का मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई ज़्यादा इजी है, तो 46 में फोर का मल्टीप्लाई करो, या तो जोड़ते रहो या फोर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 46 या 24 184 हो गया। इसी तरीके से ये 49 एक बार पाया है, अब 50 को तीन बार, या तो तीन बार 50 जोड़ोगे तब भी 150 ही आएगा, और नहीं तो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 150, और ये सिक्स टाइम्स पाया है तो कितना हो गया बताओ 240, ऐसे जोड़ोगे भी तो भी यही आएगा, तो ये जो चीज़ आई है इसे कहेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो कितने नंबर हो गए बताओ, 0 0 छोड़ दीजिए, 9 और 4 3 हुआ, एक कैरी हो गया, तो कैरी होने के बाद 8 4 12 13 13 5 18 18 प्लस 4 22, तो 2 आ गया, तो 2 3 4 5 6 6 23 आ गया। ये इसका मतलब है कि मैंने एक्स आई एफ आई को जोड़ दिया है, तो उसका क्या नाम पड़ा बताओ, सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो अब जो हमारा एक्स बार बनेगा उसका फार्मूला क्या रहेगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई और डिवाइडेड बाई, ये चीज़ क्या है बताओ, क्या ये सारे एफ आई को जोड़ा गया है, क्या ये सिग्मा एफ आई है बताइए, ये देखो इसे क्या कहेंगे, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर को जोड़ोगे तो उसे क्या कहेंगे, सिग्मा एफ आई, और ये है एक्स वन एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स थ्री एफ थ्री एक्स फोर एफ, ये निकाल लिया आपने, देखो ये हाँ ये समेशन ऑफ सिग्मा एक्स आई एफ आई। अच्छा, तो मैं नीचे सिग्मा एफ आई लिख दूँ क्या, तो ऊपर 623 और डिवाइडेड बाई 14, क्यों, क्योंकि इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या 623 नहीं आएगा, अच्छा 14 से कट करो, तो 14 4 जा 56, और 56 के बाद क्या बचेगा, क्या 63, तो फिर 14 4 जा 56, और फिर 56 के बाद क्या बचेगा 7, और 14 5 जा 70, तो उसके कितने मार्क्स आ गए 44.5, तो ये इसका मीन हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि कैसे निकालते हैं मीन। अच्छा, ये जो चीज़ हमने की है तो ये हमारा फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बना बताओ, कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलो बात समझ में आई, सिग्मा का मतलब है 1 से n तक, यानी यहाँ पर हमारा 1 से 4 तक है, इसे लिखेंगे, ये जो पहली चीज है इसे लिखा जाएगा एक्स वन, इसे लिखेंगे एक्स टू, और ये क्या लिखेंगे एक्स थ्री, और ये क्या हुआ एक्स फोर,
ये क्या है एफ वन, ये क्या है एफ टू, ये क्या है एफ थ्री, और ये क्या है एफ फोर, इसे क्या लिखोगे? क्या ये एक्स वन एफ वन है? क्या ये एक्स टू एफ टू है? क्या ये एक्स थ्री एफ थ्री है? और ये क्या चीज़ है? एक्स फोर एफ फोर। तो कुछ लोग इस फार्मूले को ऐसे भी लिखते हैं कि मान लीजिए वो ये कहेंगे कि भाई हम बार बार क्यों लिखें, सीधा अगर चार बार या पांच बार कोई चीज़ आ रही है जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो। तो x बार को लिखेंगे x1 में f1 का मल्टीप्लाई और x2 में f2 का मल्टीप्लाई और x3 में f3 का मल्टीप्लाई और x4 में किसका मल्टीप्लाई? f4 का। और नीचे क्या करेंगे बताओ? क्या सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे कि कितने टोटल उसने टेस्ट दिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ टेस्ट है ना। अच्छा ये क्या कहोगे? अब देखो इस चीज़ को जो ना लिखना चाहे, मान लो कि 10 डेटा हैं, अब कब 10 तक लिखते रहोगे? तो यहाँ लिख दो सिग्मा एक्स आई एफ आई, जहाँ पर आई 1 से 4 तक जा रहा है। इसका मतलब है कि एक बार आई को 1 लिखो दोनों में, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर 2 लिखो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर 3 को, लेकिन 4 तक ही लिखना। और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, जहाँ पर आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 4 तक। बोलो बात समझ में आई? बताइए। जरूरी नहीं है ऐसे भी लिख देते हैं सब ऐसे ही, बट ब्रीफली इट इज रिटन एज लिखा है, ब्रीफली। जरूरी नहीं है, बस समझ तो लो, आपके बुक में है तो समझोगे तो कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो हमारा यही फार्मूला है, ऐसे लिख दो, ऐसे ना लिखना चाहो, कहीं लिखाओ तो समझ जाना कि 4 डेटा हैं, 4 रोज़ हैं। और या सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा, भाई ये लिखते रहना, इसी से काम बन जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट पे आओ नाउ। एग्जाम्पल फर्स्ट किस तरीके का डेटा लगता है आपको बताओ? ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है या? हाँ फार्मूले में ये बात कही गई है कि जो चीज़ कितनी बार अकर करती है। आपको तो सबको मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल डेटा। तुम 46 नंबर कितनी बार पाए हो? क्या 4 बार पाए हो? बोलो 46 नंबर 4 टाइम्स पाए, तो या 46 लिखो, उससे अच्छा है, क्योंकि सबको जोड़ना है कि कितनी बार पाए हो। तो इससे अच्छा 46 इंटू 4 ना कर दो एक्स आई एफ आई, वो ज़्यादा अच्छा है 184। नहीं तो एक दो छोड़ दोगे, ये जोड़ोगे भी इतना। हाँ बोलो। फिर तो कुछ सिग्मा की ज़रूरत ही नहीं, सारे डेटा लिखो और फिर जोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना है। तो सिग्मा एक्स आई और अपॉन सिग्मा एफ आई, पहला वाला फार्मूला चलता, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, वही चलता, सभी लिखो। लेकिन मान लो 100 डाटा है तो कब तक जोड़ोगे? और गलती नहीं कर बैठोगे क्या? ये है सेंट्रल टेंडेंसी, द डेटा विच इज क्लोजेस्ट फ्रॉम ऑल डेटा इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। इस ये सेम है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई डेटा कई बार अकर कर रहा है, रिपीटेड है, तो हम बार बार न लिख करके, नहीं तो डुप्लीकेसी है, दिखने में भी लगता है कि एक लाइन चलती, 100 डेटा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर कन्वर्ट करने के बाद उसका निकालना आसान रहता है। जैसे आप ये देखो कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे डेटा दिए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने क्या किया, ये डेटा थे, अब इसमें ये दिखाया गया है ये 9th की बुक है, तो इसमें इतने सारे डेटा हैं, तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल है। हमने इसको बदल लिया कि भाई ठीक है 10 मार्क्स कितनी बार आए हैं, 20 मार्क्स कितनी बार आए हैं, अब फिर मैं 36 को 3 टाइम्स नहीं लिखूंगा, 36 इंटू 3 करके 108 लिख के सीधा लिख दूंगा,
और इसी तरीके से जो चीज़ जितनी बार आई है, क्यों हम 60 को 4 टाइम्स लिखें, हम क्यों ना 240 लिख दें, लेकिन वो 240 क्या होगा? आई आई एक जनरल एक वेरिएबल है जिसका मतलब है वन के लिए वन, एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू, एक्स थ्री एफ थ्री, तो आई कहीं से कहीं तक भी जा सकता है। मान लो आपके ये टोटल कॉलम 10 है, तो ये आई आई जो है 1 से 10 तक जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई तो करना ठीक है, दोनों, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है तो क्या करोगे? सिंपली एक्स वन एक्स टू करो। अब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, 5 डेटा है, तो सिंपली जोड़ो, डिवाइड बाई 5 करो। ऐसा करोगे कि नहीं? लेकिन एक एक नंबर कई कई बार आ रहा है, तो अब जैसे दूसरे वाले केस में एक एक यहाँ तो 5 ही थे, तो 5 यूनिट टेस्ट में आपके ये मार्क्स आ गए। अब इसमें तो आपके 14 यूनिट टेस्ट हुए, तो ये बेहतर होगा कि आपके 46 मार्क्स 4 टाइम्स आए हैं, तो 46 4 जा कर दो कि 184 ये है। वैसे भी आप एक जैसे डेटा तो मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, तो इनको जोड़ना आसान है। और ये जोड़ना आसान लग रहा है क्या कि कहो नहीं हम तो 46 तो 4 बार लिखेंगे, तब तब 184 लिखेंगे? उससे अच्छा है जो पर्टिकुलर डेटा जितनी बार आ रहा है मल्टीप्लाई करके लिखो, उसको जोड़ दो, बात वही है। तो इधर मल्टीप्लाई करके तब जोड़ा तो भी वही आया, और ऐसे जोड़ोगे तब भी वही आएगा। आप क्या सोच रहे हो, क्या यहाँ पर 623 नहीं आएगा? आएगा ही। और जो नीचे है 413 और 6 को जोड़ोगे तो क्या 14 नहीं आएगा? वो भी आएगा। आपका वही रिजल्ट आ रहा है। एक आसान तरीका दे दिया है मैथ ने कि क्यों ना मल्टीप्लाई कर लो, जब फ्रीक्वेंसी दी गई है, बार बार जोड़ने में गलती कर बैठोगे, तो उसको अपनाओ, ठीक है। बताओ, एग्जाम्पल 1 देखो। एग्जाम्पल 1 आपका अनग्रुप्ड डेटा है और उसका वो मीन निकालने को कह रहा है। नाउ तो आपके पास जो अनग्रुप्ड डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी रखी है कि जैसे 10 है, तो ठीक है। नाउ 10 1 टाइम्स आया है, 21 टाइम्स आया है, 36 3 टाइम्स आया है, तो हम क्या करेंगे? हम 36 36 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके जोड़ो तब भी वही आएगा, और नहीं तो कहाँ 30 डेटा लिखते फिरोगे। हाँ क्लास मार्क्स वो तो अभी हाँ क्लास मार्क के क्वेश्चन अभी करेंगे ना, क्लास मार्क पे नहीं आए अभी, अभी तो वहाँ नहीं आए ना। अभी आपको ये दिया है डेटा कि नहीं? तो अब सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? सो इन दिस क्वेश्चन मार्क्स ऑब्टेन स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स किसी क्लास के हैं, मार्क्स ऑब्टेन जितने मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं या जो डेटा होता है उसे एक्स आई लिखते हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मान लीजिए 10 मार्क्स हैं, वो एक बच्चे के आए, ये एफ आई हो गया, एक बच्चे के आए। 20 मार्क्स भी एक बच्चे के आए, इसी तरीके से 36 40 50 56 50 56 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95, ये सारे मार्क्स हैं। अब ये कितने कितने बच्चों के आए, तो 36 मार्क्स कितने बच्चों के आए? हमें इसमें आगे एक मिनट, कुछ कम है तो छोड़ दिया है तो वो भी ठीक कर लेंगे। 88 के बाद 92 है, बुक में देखो ना, बुक तो है ही है आपके सामने। हाँ ये है, ये है। तो हमने एक्स आई निकाल लिया, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे,
Now we will see that कि इसका एक्स आई एफ आई, सो वी विल फाइंड आउट एक्स आई एफ आई. ये 10 हो गया, इसको पूरा कर लेते हैं. 1 1 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1. और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो तो 30 हैं, सो टोटल आप 30 लिख लो, 30 स्टूडेंट्स हैं. अब इनका मल्टीप्लाई करो, 27 का करोगे तो 20 आएगा, 36 से 3 का 108, 44 जा 160, 53 जा 150, 56 2 जा 112, 64 जा 240, 74 जा 280, 72 80 176, 92 3 जा 3 2 जा 6, 39 जा 27 और 95. इसमें आपको टोटलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, मार्क्स आपके हाथ में. सारे सवाल इसी तरीके के हैं, अभी भी मैं बता दूं सवालों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. तो टोटल अब ये है, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई लिखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई. तो ये देखिए, नाउ इसको ऐड कर लीजिए, 8 to 10 10 plus 2 12, हाँ लिख सकते हो. तो 8 to 10 plus 2 12 plus 6 18 plus 24 plus 5 29 29 का 2 2 1 so 2 1 3 3 2 6. तो अब इसको करें, सो यहाँ पर 2 1 so 2 1 3 3 2 6 so अब इसको करें सो यहाँ पर 2 1 3 2 5 5 6 5 11 11 plus 16 17 24 44 plus 7 51 51 plus 7 58 58 plus 9, तो 67. तो 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आ गया, तो 17 79 आ गया, 17 79 आ गया. और ये जो चीज़ है ये सिग्मा एफ आई है, तो ये भी लिखना ठीक है. तो अब ये सारी चीज़ लिख दी, इसके बाद आप क्या करो कि एक्स बार क्या है, सिग्मा एक्स आई एफ आई कुछ भी लिख लो अपॉन सिग्मा एफ आई, सो दैट इज़ 1779 अपॉन 30. इस ये जो डेटा है ये अनग्रुप्ड है या डिस्क्रीट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. सो अनग्रुप्ड भी लिख सकते हो या डिस्क्रीट. फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो दी ही है, टेबल बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है उसका, टेबल. अब जरा देखिए, तो अब 30 से डिवाइड कर लो, सो 30 है तो 3 से ही कर लो, तो कितना आ जाएगा, 59.3. तो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इतना हो जाएगा. ये तो इतनी बात समझ में आ गई, नहीं तो हम इतना कहाँ तक लिखते, 30 नंबर तक. तो अच्छा किया कि हमने मल्टीप्लाई करके तब जोड़ लिया, बात तो वही रही ना. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसी डेटा को प्रिंसिपल ने कहा कि तुमने क्या डेटा बना कर ले आए हो, तुम थोड़ा ठीक ठाक लाओ, तो प्रिंसिपल ने टीचर को वापस भेज दिया, बोला ये नहीं चलेगा जैसा आप लाए हो. तो उससे कहा कि तुम जा करके इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के लाओ, और वो भी कंटिन्यूस में लाओ. तो टीचर वापस चला गया, अब उसने जो है क्लास इंटरवल बनाया. क्लास इंटरवल अगर आप रेफरेंस के लिए लिखना चाहें तो उसमें मार्क्स ऑब्टेंड लिख सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है.
ऑब्टेंड, तो टीचर वापस चला गया। अच्छा, उसे मालूम है कि उसके क्लास में 0 नंबर कोई नहीं लाया, तो उसने एक चालाकी की, उसने 10 से बनाया, जिससे कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। ओके, तो ये बात उसने बनाई, और उसने जो डेटा बनाए तो 10 से 25, 10 से 25, 10 से 25, फिर 15 15 के बनाए, 25 से 40, फिर 40 से 55, 55 से 15 का बनाओ 70, फिर 70 से 85, और 85 से 100। ठीक है, 10 से नीचे थे ही नहीं तो उसने बनाया नहीं। अगर मान लो 0 से 15 बनाता तो प्रिंसिपल को डाउट रहता कि 0 नंबर भी कोई लाया होगा, ये टीचर अच्छा नहीं है। तो इसलिए उसने अच्छा काम किया कि 10 से ही बनाया। तो ये तो क्लास इंटरवल है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी में लिखना चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, जो क्लास इंटरवल है उसको मैंने बता दिया एक्स आई है, और फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो, एफ आई। तो इतने नंबर कितने बच्चे पाए हैं ये ऊपर से काउंट करके लिखो। अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड है किसी में, ये भी ध्यान लेना। अपर लिमिट, अगर 25 नंबर पाया हो तो इसमें ना डालना, इसमें डालना। अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड, ये भी लिख सकते हो, अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड, लोअर लिमिट इंक्लूडेड है। तो ये अपर वाली नेक्स्ट में आएगी, 25। जरा देखो तो बताओ, 10 से 25 कितने नंबर बच्चे पाए हैं? तो 25 तो कोई पाया नहीं है, 10 से 20 तक 2 ही हुए, तो इसलिए कितनी फ्रीक्वेंसी हुई यहाँ पे, 2 की हो गई। अच्छा, 25 से 40 तक कितने पाए हैं? 40 40 को जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? 25 से 40 में 40 ऐड होगा या नहीं होगा, इंक्लूड होगा या नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा, 40 40 इसमें इंक्लूड होगा। हमेशा किसी भी क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, अपर नहीं होती है। तो इसलिए तुम इसमें कौन से नंबर लेना, सिर्फ 36 लेना। 25 से 40 तक है तो 36 आ जाएगा, 40 नहीं आएगा। तो ये 3 हुए, आपके पेज नंबर 262 में दी है ये टेबल। तो ये 3 बच्चे हो गए, ये देख लो, ये टेबल दी है, इसको भी रिफ़र कर सकते हो। फिर उस टीचर को वापस भेजा गया, जाओ अब डेटा बना के लाओ, तो वो उसने बनाया डेटा। अच्छा, 40 से 55 में क्या करोगे बताओ? क्या 40 जोड़ोगे और 55 नहीं जोड़ोगे? तो इन दोनों को ले लोगे क्या, 40 और 50 को? बोलो, 40 से 55 में तो ये कितने हो गए बताइए, 7 हो गए कि नहीं, 7। अच्छा, 55 से 70 में कितने लोगे? तो 56 भी ले लोगे। हाँ, मतलब जैसे 40 है, तो अगर 40 मार्क्स पाए हुए 4 बच्चे हैं तो वो इसमें डालोगे कि इसमें? नहीं डालेंगे, ये इंक्लूड होता है, ये नहीं इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड होता है, ये नहीं इंक्लूड होता है, हर एक में यही है। ये छोटी क्लास से ही चल रहा है, सिर्फ आखिरी वाले में दोनों इंक्लूड रहते हैं। अपर लिमिट नहीं इंक्लूड करनी है, अपर लिमिट अगले में रहेगी। 40 मार्क्स वाले बच्चे इसमें डाले ना, चेक करो, 40 से 55 वाले में डाले, चेक करो ना। समझ में आई बात कि नहीं? ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसमें हम आप नहीं कर सकते। अगर आपने पहले स्टेटिस्टिक्स बनाई होती तो अपर लिमिट उसमें इंक्लूड कर देते, तो वास्तव में ऐसा है नहीं। अपर लिमिट को क्या कहते हैं, नॉट इंक्लूडेड, लोअर लिमिट इंक्लूडेड, क्योंकि 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं। तो अगर लोअर को नॉट इंक्लूड करोगे तो 0 नंबर वाला बच्चा कहाँ जाएगा बताओ? कोई बच्चा 0 नंबर ले आए उसको हटा दोगे क्या? बोलोगे निकल जाओ क्लास से, तुम्हारा डेटा नहीं है। तो लोअर तो मजबूरी है, छोड़ किसको सकते हो, अपर को, और लास्ट वाले में अपर ले लेना। बोलो, बात सही है? बताइए प्रवीण। तो अब 55 से 70 में क्या करोगे, क्या 56 ले लोगे?
60 ले लोगे? प्रवीण बताओ 70 लें कि ना लें? 55 से 70 में देखो, 55 से 70 जो कहोगे वो करना पड़ेगा, ये लोकतंत्र है। ले लें, छोड़ दो, अगले में ले लो, क्योंकि जो 70 है ये 55 से 70 अपर लिमिट, 70 नहीं लेना है आपको। तो 70 नंबर पाए हुए चार बच्चे हैं, उन्हें कहाँ रखें, इस वाले में डालें कि इसमें डालें, बताओ? मतलब 70 नंबर के चार बच्चे हैं, आप उन्हें किस ग्रुप में डालोगे, इस ग्रुप में डालोगे कि इस ग्रुप? 70 20 ऊपर वाले में नहीं डालेंगे, क्योंकि किसी भी क्लास में एक लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट। अपर लिमिट वाले मार्क्स उस लिमिट में नहीं लिए जाते, वो अगली लिमिट में लिए जाते हैं, क्योंकि वही अगले की लोअर लिमिट होती है। तो 70 इसमें नहीं लेना है, जो 70 मार्क्स पाए हुए चार बच्चे इसमें मत काउंट करो, इसमें करो, यही तो बताया जा रहा है। अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड इन एनी क्लास एक्सेप्ट लास्ट क्लास, बताइए कुछ बढ़े आगे तो बताओ। अब 55 से 70 में मैं कौन कौन से ले लूँ? 2 और 4 ले लूँ? 6 हो गए तो 6 लिख दिए। ये बताओ 70 से 85 में किसे किसे लोगे? प्रवीण, सही है, इसका मतलब है बात पता चल गई आपको। तो 4 5 6 एक और पूछ लेंगे आपसे। 85 से 100 में, 85 से 100, 80 वैसा 88 92 95, ये सब ले लो तो कितने हो जाएंगे? 2 3 5 और 1 6, 6 हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें और कुछ करना है कि सीधा मीन निकाल लें? हाँ बोलो। नाइन्टी फाइव ऐसे 100 होता तो 100 ले ही लेते। तो इट इज़ एक्सेप्ट लास्ट क्लास, लास्ट क्लास में अपर लिमिट इंक्लूड होती है ना, बोलो, लास्ट क्लास में अपर लिमिट, नहीं तो वो कहाँ जाएगा 100 वाला बच्चा? तो इस तरीके से ये जो है सिग्मा एफ आई कितना हो गया? टोटल कितने बच्चे थे? क्या 30 थे? अगर टोटल करने से आपका 30 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ तक का आपका काम सही है। देखो 6 3 जाए 18, और 18 और प्लस 10 कितना हुआ? ये 18 हुआ और 10 प्लस 2 12 हुआ, तो बोलो आ गए 30 कि नहीं? अच्छा, अब ये बताओ एक्स आई एफ आई, क्योंकि इतनी बार 30 बार तो कोई चीज़ लिखी नहीं जाएगी, तो एक्स आई एफ आई करो। तो एक्स आई एफ आई, तो यहाँ एक्स आई एक सिंगल नहीं है, तो अब क्या करें? तो टीचर यहाँ फंस गया, तो उसके लिए उसे अब एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई का जो ये जो क्लास है ना, क्लास इंटरवल, इसको हम एक्स आई नहीं लिख सकते, इसे आप एक्स आई नहीं लिख सकते, इस ये क्लास रहती है, इसका एक मिड पॉइंट निकाला जाता है जिसे क्लास मार्क कहते हैं। ज़रा देखो क्लास मार्क क्या होता है। तो क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, इसका ठीक मिड पॉइंट। तो क्लास मार्क क्या होगा बताइए? जो क्लास मार्क है उसे एक्स आई कहा जाता है, उसको कहते हैं कि लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट कर दो और डिवाइडेड बाई 2। बोलो बात समझ में आ गई? क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट। जरा इसमें पहले वाले का क्लास मार्क निकालो, x1 का, 1 वाले का निकालो। 10 प्लस 25 बाई 2, बोलो कितना आएगा? तो 17.5, ये कितना आ गया?
17 पॉइंट। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका कुछ तो मतलब होगा। यानी ये जो दो बच्चे हैं, टीचर ये क्लेम नहीं कर सकता मेरे दो बच्चे 25 नंबर लाए हैं, वो प्रिंसिपल से बोलेगा मेरे दो बच्चे 17.5 लाए हैं, ना सबसे कम ना सबसे ज़्यादा, ठीक जो बीच का है उतने लाए हैं। तब तो उसकी बात जस्टिफाइड मानी जाएगी कि नहीं, क्योंकि वो ये कहता रहेगा दो 25 लाए, 25 थोड़ी ना ले आए होंगे दो बच्चे, तो प्रिंसिपल तो यही मानेगा इसके बीच में कहीं लाए होंगे, ये लाए हैं। अच्छा जो 25 to 40 है उसका मिड पॉइंट क्या हुआ, ये कितने कितने का क्लास इंटरवल है बताओ, 15 का है क्या, तो 15 जोड़ते चले जाओ अगला क्लास मार्क पता चल जाएगा। इसमें ज़रा 15 जोड़ो, तो 15 जोड़ दो प्लस 15 कर दो तो 22.5, और प्लस 15 कर दो अगला मिल जाए, ज़रा जोड़ो तो देख लो 37 होगा ना, एक मिनट देखो भाई, 17 में 15 जोड़ा तो कितना आया, तो वो आया ये सही है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 15 जोड़ दिया तो 32.5 हो गया, और इसमें फिर से 15 जोड़ो तो कितना आएगा, 32.5 में 15 जोड़िए तो 47.5 में फिर जोड़ो 15, और 62.5 में 15 जोड़ दो और फिर 15 जोड़ दो, 92 आ जाएगा क्या, चेक करते हैं ज़रा, 15 जोड़ें तो ये हो गया 77.5, और 15 और जोड़ दो तो 92.5। ये समझ में आ गई बात कि नहीं, एक्स आई निकाल लिया, एक्स आई को क्या कहोगे बताओ, क्लास मार्क आ गया। अब हमने क्लास मार्क निकाल लिया, क्लास मार्क के बाद आप क्या करोगे बताओ, हाँ अब इसके बाद ये तो पता चल गया कि ये जो बच्चे हैं इतने इतने नंबर लाए हैं, तो इतना नंबर इतना बच्चा लाया है, ये भूल जाओ कि इसमें लाया है कुछ, वो बताएगा प्रिंसिपल से कि मेरे दो बच्चे 17.5 लाए हैं, ठीक है कि नहीं, और ये भी इसकी भी तो कोई ज़रूरत नहीं, ये 12 बता दें, 12 और 18 से कोई मतलब नहीं। अब ज़रा देखो एक्स आई एफ आई कितना है, पहले का ज़रा पहले में मल्टीप्लाई करो, 17.5 ये हुआ नंबर ये पाने वाले बच्चे, तो 35, दूसरा ये नंबर है और तीन बच्चे पाए हैं, 32.5 में 3 का मल्टीप्लाई 96 तो यही हो जाएगा 32, और 97.5, अच्छा इसको 7 में मल्टीप्लाई करना है, करो 7 में मल्टीप्लाई तो दैट इज 7 5 जा 35 7 7 जा 49 और प्लस 3 52 और 7 4 जा 28 में 5 जोड़ा, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 हो गया, इसमें 6 से करो 6 5 जा 30 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36 तो 37, 6 से करो तो 6 5 जा 30 6 7 जा 42 तो 45 और 6 7 जा 42 में 4 जोड़ दीजिए 46, 6 5 जा 30 6 2 जा 12 तो 15 आया और 6 9 जा 54 तो 55, ये सारी चीज़ कर ली। अच्छा ये सारे डेटा मेरे ठीक है, मैंने टैली कर लिए हैं, अब इनको जोड़ना है, तो ये 35 है 35.0 तो ये 5 5 आया तो यहाँ 0 लिखो, 1 कैरी करो तो 12 13 14 15 15 और प्लस 10 25 और ये 33 आ गया, 3 3 6 प्लस 7 3
3 3 6, ये सेकंड डिजिट लेना है 3 3 6। मैंने एक ऑर्डर में नहीं लिखा, नहीं तो डेसिमल एक साथ लिखना चाहिए था। 3 3 6 और प्लस 9 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 31, और 31 प्लस 5 36, 3 आ गया। 3 3 6 3 9, 9 प्लस 4 13, और 13 प्लस 5 1860 आना चाहिए, चेक करता हूँ, 1860 आ गया। तो मेरा ये क्या आया बताओ, सिग्मा एक्स आई एफ आई आ गया, और सिग्मा एफ आई। अब मुझे क्या करना चाहिए बताइए, क्या मीन निकाल लेना चाहिए? तो मीन क्या होता है बताइए, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट इज 1860 अपॉन 30। ये जीरो इससे कट गया, तो 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, तो 62 मीन आ गया। वेन एवर देयर इज क्लास इंटरवल इज गिवेन, वेन एवर क्लास इंटरवल इज गिवेन, फाइंड क्लास मार्क, क्लास मार्क पता करना है, क्लास मार्क ही एक्स आई है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। एंड यूज इट टू फाइंड एक्स आई एफ आई। देख लो यहां पर इसमें किससे मल्टीप्लाई करते एफ आई से, क्या कर पाते, कर पाते क्या इसका इससे? तो मिड पॉइंट पाना ठीक रहा कि नहीं? मिड पॉइंट पाओगे तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे, तभी आगे बढ़ोगे। तो जब आपको एक इंटरवल दिया हो तो ये सोचो कि ना सबसे कम नंबर पाए हैं दो बच्चे, ना सबसे ज़्यादा मिड वाला पाए हैं। तो उसके लिए क्लास मार्क की, अभी श्रेयान ने जो पूछा था बताओ क्या दी है डेफिनीशन आपकी बुक में पेज नंबर 262 में, क्लास मार्क क्या होता है? मतलब क्लास मार्क होता है कि अपर क्लास लिमिट, जब भी कंटिन्यूअस डेटा दिया हो तो उस केस में क्लास मार्क निकालना है, और लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट बाय टू। हमेशा क्लास मार्क निकालने का तरीका बताया गया है, अपर क्लास लिमिट अब प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई टू, ये चीज़ बुक में दी है। ये बोलो इतनी बात समझ में आई, इज इट ओके? सो वी हैव, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इन एनी केस वी विल फाइंड क्लास मार्क। लेकिन आपका क्या विचार है, ये जो आपने ये सवाल किया क्या ये आसान लगा कि टफ लगा क्वेश्चन में? भाई इतना इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, और इसमें जरा सी गलती तो पूरे नंबर गए। तो इससे सिंपल मेथड हम अगले सवाल में देखेंगे, और लेकिन वो भी टफ लगेगा तो उससे भी सिंपल देखेंगे कि दो मिनट में सवाल हो जाए। तो हम पहले इसके लिए डेविएशन मेथड देखेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड, और फिर स्टेप डेविएशन। तो हमारा सवाल जो है मिनटों में हो जाएगा, एक भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी बुक में मीन निकालने पे मेन फोकस है, और उसमें तीन मेथड हैं, इसी सवाल को तीन मेथड से करेंगे और देखेंगे कि और आसान इसे कैसे बनाएं। ये चीज़ हम अगले क्लास में, हट गया तो कोई बात नहीं, हम एक बार एक क्वेश्चन पर बता देंगे कि वो कितना ज़्यादा आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपको आंसर चेक करना हो चोरी चोरी, तो स्टेप डेविएशन से आप चेक कर सकते हो, तो वो आंसर लिखने पे आप एक अपर हैंड रहोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं कि कैसे करना है, बोलो। तो चीज़ें हम आपको बता देंगे, आगे तो सब हाई है, 11th में या जो भी है वहाँ पर चीज़ें रहती हैं, तो एक बार मैं वो चीज़ बता दूंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, वेलकम वेलकम।